हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इम्तियाज़ और आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ कॉमन कोल्ड के बारे में। ये जो कॉमन कोल्ड बीमारी होती है ये 90 से 95% वायरस की वजह से होती है और ये जो है ना ये 7 दिन के अंदर अंदर ठीक भी हो जाती है। इसको वायरल अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोला जाता है या इसको वायरल राइनोफेरिंजाइटिस भी बोल सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है, क्या इसमें एंटीबायोटिक देना चाहिए? तो मेरा जवाब है कि नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक का जो काम रहता है उसका काम है कि बैक्टीरिया को किल करना, और जो कि ये बीमारी 95% वायरस की वजह से होती है तो एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल रह नहीं जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या परेशानियां देखने को मिलती हैं, मतलब कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो इसमें वेट कफ देखने को मिल जाता है, मतलब कि गीली खांसी मिल जाती है, या सोर थ्रोट, गले में खराश देखने को मिल जाती है, साथ में रनी नोज़, नाक बहना, या बोल दें कि वाटरी आइस, मतलब कि आंखों से पानी का आना, स्नीजिंग मतलब छींके वगैरह आदि देखने को मिल जाती हैं। बहुत से लोगों में लो ग्रेड फीवर मतलब कि हल्का हल्का बुखार भी देखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं एक छोटा सा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताऊंगा कि इसमें करना क्या है कि नींबू पानी में 2 चम्मच शहद के मिलाकर लेना है, और ये जो ट्रीटमेंट है ये बिल्कुल डी कंजेस्टेंट की तरह काम करता है। तो इसमें गर्म चीज़ें फ़ायदेमंद रहती हैं, जैसे गर्म दूध, गर्म चाय, और साथ में अगर आपके गले में सूजन है तो आप इसके लिए गरारे कर सकते हैं गुनगुने पानी में नमक डालकर दिन में 3-4 बार, और अगर आपकी नाक बंद है मतलब कि स्टिफनेस है तो इसके लिए नेजल सेलाइन स्प्रे आता है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। और इसके अलावा बाकी डी कंजेस्टेंट भी आते हैं, लेकिन उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होते हैं। अगर आपके गले में दर्द है तो इसके लिए बहुत ही सेफ़ एक टेबलेट आती है पैरासीटामोल, इसको लिया जा सकता है। अगर आपका वज़न 50 किलोग्राम से ज़्यादा है तो आप इसको दिन में 3 बार या 4 बार भी आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी है तो आप इसमें एंटीहिस्टामाइन जैसे लीवोसिट्राजिन 10 mg की गोली दिन में 1 बार दे सकते हैं, जो कि पूरे 18 घंटा काम करती है। और एक बात और कि बहुत ऐसे लोग जो विटामिन सी, जिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो ऐसे लोगों में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम बहुत कम देखने को मिलता है। अगर इसके अलावा आपको गीली खांसी है या उसमें स्पुटम बलगम वगैरह आ रहा है तो इसके लिए आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इसको लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना ज़रूर पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।